नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। इस समय कैमरामैन रोहित के साथ मैं मौजूद हूं एलनाबाद शहर की श्री दुर्गा मंदिर में, जहां पर नवरात्रों के समापन के अवसर पर गरबा डांस का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं, महिलाएं यहां पर गरबा डांस के लिए आई हुई हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाया जा रहा है। श्री दुर्गा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजन किया गया है और हमने जिन महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही आनंद देने वाला कार्यक्रम है और एलनाबाद में शायद ये पहली बार दुर्गा मंदिर में करवाया जा रहा है। और महिलाओं ने कहा कि ये इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो लगातार और बार बार में होते रहने चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं ने एलनाबाद में इस कार्यक्रम में गरबा का डांस किया और पूरा आनंद उठाया। Thank you.
ने हमें बुलाया है, हम आ गए हैं। ये ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, डांडिया प्रोग्राम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और माता रानी इस साल करवाया है, आगे भी करवाती रही। बोल जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा वाली जय। पुत्रों की नौमी है, हमारे डांडिया डांस हो रहे हैं। ये गुजरात में होता ही है, अहलाबाद हरियाणा में पहली बार हो रहा है। असल में महिला हम डांडिया डांस कर रही हैं और नवरात्रों की नौमी है, समाप्त हो रहा है। आप बताओ कैसा लगता है? हमारे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इलाहाबाद में दुर्गा मंदिर में चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है और हम सब महिला मंडल की महिलाएं सब कर रही हैं और सब खूब इंजॉय कर रही हैं इसमें। और ये प्रोग्राम अक्सर गुजरात में होता आ रहा है पर पहली बार ये इलाहाबाद में दुर्गा मंदिर में हो रहा है। तो क्या आप सब इंजॉय कर रहे हैं? यस। तो हम सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आज जो ये जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? सर ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है दुर्गा माता मंदिर की तरफ से। सभी जो लेडीज़ हैं उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, बहुत परिवार जैसा माहौल है, हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हो रहा है, क्या आगे भी इस तरह के आयोजन होने चाहिए जो बड़े लेवल पे होने चाहिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब देखा है लोगों का उत्साह, हम लोगों ने देखा है, तो समझ में आया कि और भी अच्छा, इससे अच्छे लेवल पे भी हम लोग कर सकते हैं। लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, सभी एक साथ होकर एक परिवार की तरह सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मंदिर कमेटी का जो आपका कैसा सहयोग है? बहुत, मंदिर कमेटी ने बहुत सहयोग किया है। चाहे जैसे अभी जल वितरित किया जा रहा था, लेडीज़ थक रही हैं, या बैठने के लिए पंखे कूलर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रसाद का बहुत अच्छा वितरण किया जा रहा है, हर चीज़ बहुत व्यवस्थित है। जय माता दी भक्तों, अश्विनी नवरात्रे 26 तारीख से जब से शुरू हुआ है, श्री दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट दुर्गा मंदिर रेलवे कॉलोनी ने बड़ी ही उत्सव के साथ ये नवरात्रे मनाए हैं और आज नवमी का दिन है, आज नवरात्रे संपन्न होने जा रहे हैं। तो इस खुशी के अंदर जो महिला टीम है यहाँ पर 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक तो कीर्तन करती हैं लगातार नवरात्रों में, और काफ़ी दिनों से कर रही हैं। आज उन्होंने मंदिर प्रांगण में डांडिया यहाँ पे डांडिया खेला है और गरबा किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। सभी को मैया रानी की तरफ से मैया रानी का आशीर्वाद सभी को मिले। और हमारे जो ट्रस्ट के संरक्षक हैं, हमारे ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं या जो सेवादार हैं, सभी ने अपनी अपनी ड्यूटियां बहुत अच्छी तरह से निभाई है। और आज आरती के तुरंत बाद सभी शहरवासियों को ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर खजाना दिया जाएगा। तो ये परंपरा लगातार काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो हमारे टीम के जो हमारे जो ट्रस्ट के प्रधान हैं श्री राजकुमार जी लड्डा, उप प्रधान हैं श्री राजेश जी सोनी, हमारे सचिव महोदय श्री मोहन जी गोइनका, हमारे खजांची राजकुमार जी बंसल, हमारे संरक्षक श्री मदन लाल जी शर्मा और हमारे संरक्षक दीनदयाल जी धनुका, बहुत ही अच्छी तरह से पूरी टीम ने काम किया है। इस बार मोहित बंसल ने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही मेहनत से ये नवरात्रों को आज संपन्न होने जा रहा है, जिसके अंदर बड़ा ही सहयोग दिया है। और सभी सेवादारों से, ट्रस्ट के सदस्यों से, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि हर नवरात्रों में इसी प्रकार सेवा करें और मैया रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे भाई सुहासी व अन्य प्रेस के जो मीडिया के जो प्रभारी हैं सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आकर बार बार आकर चैनलों के ऊपर दुर्गा मंदिर का ये जो नवरात्रों महोत्सव है दिखाया, उनके लिए उनका भी धन्यवाद, विशेष तौर से सुहास जी चौहान का व पूरी टीम का धन्यवाद।